जी डबल हो गई है मुझे लगता है। जी जी आपकी प्रतिक्रिया इसके बाद पहली बार आप लोगों को अच्छा लगता है जब आप मेहनत करते हैं और एक अच्छी फिल्म होती है और वो लोगों तक पहुंचती है और उनको अच्छा लगता है। ये पूरा जब साइकिल कंप्लीट होता है तो आपको बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन होती है जो मुझे हो रही है। रिएक्शंस कैसे आए हैं लोगों ने? अनएक्सपेक्टेड लोगों ने भी आपको शायद तारीफ और उठी आपकी। अनएक्सपेक्टेड लोगों ने तारीफ करी है? मतलब इनसे शायद एक्सपेक्टेशन नहीं भी थी। नहीं मुझे तो सबसे एक्सपेक्टेशन थी। अच्छा। और सबने तारीफ भी करी मुझे अच्छा लगा। आप पूछ रहे बता रहे मुझे पता नहीं। नहीं मुझे नहीं मेरा मैंने अपना नंबर चेंज किया था। अगर आपको पता था मुझे बताइए मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। आप अगर आपको पता है तो आप मुझे बताएं मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स यार थैंक्स कैटरीना। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं देखिए मैं 10 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने थिएटर किया फिर टीवी किया फिर फिल्म किया तो मैं अभी तक उतनी शिद्दत से काम कर रहा हूँ उतनी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ। मैं जिस दिन प्रोड्यूसर बनूंगा उस दिन ये नंबर्स के बारे में सोचूंगा और फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। अभी तो I don't think it's if it's a well written script and if the actor making the cameo is a good actor, I don't think he'll come across as something that you don't expect and you're just concentrating on that, because I think best of the actors in Hollywood and here also in Bollywood, they have done it and they only help in communicating the essence of the story. Sushant, ये पूछ लेंगे लास्ट। दिवाली में फिल्में रिलीज हो रही है थोड़ी अनबन थोड़ी एनवायरमेंट मुश्किल मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ। आई एडमायर रणवीर एज एन एक्टर। आई लव करण जौहर फिल्म एंड आई हैव लव द ट्रेलर सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। मतलब जैसे रोकना फिल्म की रिलीज को कहीं ठीक लगता है आपको ये कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री के नुकसान? मेरा पर्सनल ओपिनियन है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए दिस इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चंस। इफ गिवन अ चांस ऑन द फर्स्ट डे आई विल गो एंड वॉच द फिल्म। I'll ask him. There's a film that Dinesh Vijan has directed called Rapta. It's with Kriti Sanon. It's going to release in the first quarter of next year. Then there's a film called Takadum. That's Homi's directing. It's me, Parineeti and Irfan in it. And then there are a couple of other films that will be officially announced. Sushant, before you leave, any words you want to say? मैं सबके लिए कहना चाहूँगा जिन्होंने फिल्म देखी है उनको अच्छी लगी है। हमारा इंटेंशन यही था कि आप लोग अच्छी लगे और आप लोग इतनी अच्छी लगे तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि आगे भी इतना ही शिद्दत से काम करेंगे एंड आई होप दैट यू कम नेक्स्ट टाइम टू। थैंक यू।